मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में लगाए गए नो एंट्री के बोर्ड पर अब बवाल हो गया है। इस सूचना बोर्ड को कांग्रेस के ही एक प्रवक्ता ने सबके सामने ऑन कैमरा उखाड़ फेंका है। बता दें कि पीसीसी दफ्तर में शाम 6 बजे के बाद कार्यकर्ताओं की एंट्री नहीं होगी। इसके लिए एक सूचना बोर्ड लगाया गया था। ये सूचना बोर्ड पीसीसी के 3 गेट पर लगाया गया था। इसे लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने असंतोष और गुस्सा जताया था। इसी का नतीजा है कि कांग्रेस के ही एक प्रवक्ता ने इसे उखाड़ कर फेंक दिया है। अब इसका वीडियो भी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बोर्ड उखाड़ कर फेंकने के बाद बीजेपी को मौका मिल गया है। बीजेपी प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने चुटकी लेते हुए कहा, कॉरपोरेट कल्चर पर अब चलेगी जीतू पटवारी की कांग्रेस। दरअसल विधानसभा और लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस लगातार बैकफुट पर बनी हुई है और अब कांग्रेस का यह कदम एक बार फिर चर्चाओं का विषय बना हुआ है। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कांग्रेस प्रवक्ता अमित शर्मा गेट के बाहर लगे बोर्ड को निकालते हुए नजर आ रहे हैं। इस बोर्ड में लिखा गया है कि पीसीसी में शाम 6 बजे के बाद कार्यकर्ताओं की नो एंट्री रहेगी, वहीं रविवार को अवकाश रहेगा। सोमवार से शनिवार 11 बजे से 6 बजे तक के बीच पीसीसी में काम होगा। ये बोर्ड कांग्रेस संगठन ने लगवाए हैं। बोर्ड लगवाने के बाद अब संगठन जवाब देने से भाग रहा है। 6 बजे के बाद नो एंट्री का बोर्ड लगाने पर कांग्रेस प्रवक्ता अब्बास हफीज ने कहा कि कार्यकर्ताओं की सहूलियत के लिए इंतजाम किया गया है, लेकिन अब इसे खुद कांग्रेस के ही प्रवक्ता ने उखाड़ दिया है। एक्स पर पोस्ट में नरेंद्र सलूजा ने लिखा, जीतू पटवारी के अध्यक्ष बनने के बाद हजारों कांग्रेस जन कांग्रेस छोड़ चुके हैं, थोड़े से कांग्रेस जन ही बचे हैं। अब उनसे मिलने के लिए भी मध्य प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक का ही समय निर्धारित है। रविवार को पूर्ण अवकाश। कॉरपोरेट कल्चर पर अब चलेगी जीतू पटवारी की कांग्रेस। बहरहाल अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में कांग्रेस वोट को लेकर शुरू हुई मध्य प्रदेश की सियासत कहां जाकर खत्म होती है।